हेलो एंड वेलकम टू द वीकली टेक रैप ऑन जागरण हाईटेक, जहां मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कौन सी नई डेवलपमेंट्स देखी गई हैं। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर से। Realme ने इंडियन मार्केट में मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन Realme X3 और X3 सुपर जूम को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने Realme Buds Q भी बाजार में उतारे हैं। Realme ने अपनी X सीरीज में दो नए स्मार्टफोन X3 और X3 सुपर जूम को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्लस चिपसेट और क्वाड रेड कैमरा सेटअप मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.6 इंच का डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो इन स्मार्टफोन्स में आपको इन डिस्प्ले डुअल फ्रंट कैमरा मिलेगा। वैसे तो दोनों ही डिवाइसेस के फीचर्स लगभग एक समान है, लेकिन इनके कैमरा मेगापिक्सल में थोड़ा अंतर जरूर देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी कीमत के बारे में। तो आपको बता दें कि Realme X3 के बेस वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपए है और X3 सुपर जूम के बेस वेरिएंट को आप 27,999 रुपए में खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन्स ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट पर प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन इनकी सेल के लिए आपको 1 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। Realme ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के साथ ही इंडियन मार्केट में Realme Buds Q को भी लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस 1,999 रुपए है और आप इसे 1 जुलाई से खरीद सकेंगे। इस ईयरबड्स को लेकर कंपनी का दावा ये है कि चार्जिंग केस के साथ सिंगल चार्ज पर आपको 20 घंटे तक का प्लेबैक देगा, जबकि बिना चार्जिंग केस के सिंगल चार्ज में ईयरबड्स को 4.5 घंटे तक लगातार यूज कर पाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। अब बारी इस हफ्ते के दूसरी बड़ी खबर की। इस हफ्ते मार्केट में जहां प्रीमियम रेंज स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए, वहीं ओप्पो ने अपने लो बजट स्मार्टफोन ओप्पो A11K भारत में लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात ये है कि ये लो बजट में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले की सुविधा देगा। इतना ही नहीं, इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। अगर आप कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो इसके फीचर्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें 6.2 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। फोन में LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। फोन में दिए गए कैमरा फीचर्स जैसे कि AI ब्यूटिफिकेशन और डेडिकेटेड पोर्ट्रेट बुके इफेक्ट आदि आपके फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ओप्पो A11 का प्राइस 8,999 रुपए है और आप इसे एक्सक्लूसिवली ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से खरीद सकते हैं। यहाँ आपको कई शानदार ऑफर्स का लाभ भी उठाने को मिल सकता है। और अब बारी तीसरी बड़ी खबर की। अब बात करते हैं गूगल फोटोज में हुए बदलाव के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि सर्च इंजन प्लेटफॉर्म गूगल ने गूगल फोटोज के लोगो और डिजाइन में बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट पर बताया है कि गूगल फोटोज का नया लेआउट अगले हफ्ते तक एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए रोल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको गूगल फोटोज बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इसमें 3 टैब स्ट्रक्चर, फोटो सर्च और लाइब्रेरी दिए जाएंगे। इसमें फोटो हमेशा की तरह मेन टैब में रहेगी। यहाँ यूजर्स की सभी फोटोज और वीडियोस बड़े थंबनेल्स के साथ मौजूद रहेंगी और फोटो के बीच कम वाइट स्पेस नजर आएगा, जबकि सर्च टैब के फ्रंट और सेंटर में तमाम तरह की सर्च लिस्ट को एक्सेस किया जा सकेगा। वहीं अगर लाइब्रेरी टैब की बात करें तो इसमें एल्बम, आर्काइव और बाकी चीजों को एक्सेस करने की फीचर्स भी मिलेंगे। तो ये तो थी इस हफ्ते की मोबाइल और टेक्नोलॉजी की बड़ी डेवलपमेंट्स। ऐसी कई और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जागरण हाईटेक का यूट्यूब चैनल।